गाइज़ वेलकम टू स्पोर्ट्स गैलेक्सी। गाइज़ ये जो वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है टॉप 5 डिफेंडर्स के ऊपर, जो कि हमें लगता है कि प्रो कबड्डी ऑक्शन में इस बार सबसे महंगे जाने वाले हैं, यानी कि इन पे करोड़ों की बोली लगने वाली है या फिर लाखों की बोली लगने वाली है। सो गाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे पांचवें नंबर के खिलाड़ी की, सो गाइज़ पांचवें नंबर पे यहाँ पे मैंने नाम रखा है विशाल भारद्वाज का। विशाल भारद्वाज तेलुगु टाइटंस के कैप्टन थे और पिछले 2-3 सालों से उनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी रही है। इस साल टीम से रिलीज़ हुए हैं, ऑक्शन में आए हैं। पिछले साल भी 62 टैकल पॉइंट्स उनके नाम थे और बहुत ही अच्छे डिफेंडर है। अगर हम बात करें यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उनकी रही है तेलुगु टाइटंस के लिए भी। और अब इस बार ऑक्शन में गए हैं तो उन पे संभव है कि यहाँ पे बहुत अच्छी खासी बोली लगने वाली है। अब गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे चौथे नंबर पे, यहाँ पे नाम आता है दी हॉक रविंद्र पहल का। रविंद्र पहल को तो हम सब जानते हैं, कितने बड़े डिफेंडर हैं वो। पहले ही सीज़न से उन्होंने कमाल करना शुरू कर दिया था। पिछले सीज़न में उनकी परफॉर्मेंस दबंग दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी। 63 टैकल पॉइंट्स उन्होंने हासिल करे थे और इतना बड़ा नाम है रविंद्र पहल, इन पे तो लाखों करोड़ों की बोली लगनी संभव ही है। अब गाइज हम बात करें तीसरे नंबर पे नाम आता है पुनेरी पलटन के कप्तान सुरजीत सिंह का। सुरजीत सिंह का भी बहुत पहले से ही प्रो कबड्डी में नाम था डिफेंडिंग के अंदर, और पिछले साल भी उनके परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। 63 टैकल पॉइंट्स उनके नाम थे और ये जो परफॉर्मेंस है, ये हम एज अ डिफेंडर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मानते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे सुरजीत सिंह भी अब ऑक्शन में आए हैं तो उन पे भी लाखों करोड़ों की बोली लगना संभव है। अब गाइज अगर बात करें अभी दूसरे नंबर पर नाम आता है बलदेव सिंह का। बलदेव सिंह और रिंकू नरवाल की जोड़ी की तो क्या ही चर्चा है। पिछले साल अगर टीम जीती है तो उसमें इस जोड़ी का भी ज़्यादा नहीं तो 30-40% योगदान आराम से रहा है। 66 टैकल पॉइंट्स बलदेव सिंह ने हासिल करे हैं। हो सकता है कि बलदेव सिंह टीम में ही चले जाए बंगाल वॉरियर्स में, बट किसी भी टीम में जाएंगे वो तो उन पे लाखों करोड़ों की बोली लगना संभव है। गाइज अब अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर वन डिफेंडर की, जो कि ऑक्शन में आए हैं और उन पे करोड़ों की बोली लगना संभव है, तो उन पे नाम आता है संदीप कुमार ढुल का। संदीप कुमार ढुल की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है पिछले 2 सीजन, और पिछले सीजन की परफॉर्मेंस तो और भी अच्छी रही है, जहाँ पर उन्होंने 73 टैकल पॉइंट्स हासिल करे हैं। बहुत ही बड़े डिफेंडर हैं, हम सब ने देखा है जयपुर में अंदर के लिए उनकी परफॉर्मेंसेस। और अगर ये दोबारा जयपुर में जाते हैं तो भी जयपुर का फायदा है, अगर किसी और टीम में जाते हैं तो भी उन पर लाखों करोड़ों की बोली लगना संभव है। सो गाइस ये थे ऐसे 5 डिफेंडर जिन पर हमें लगता है कि लाखों करोड़ों की बोली लगना संभव है। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइए आपकी क्या रिकमेंडेशन है। इस वीडियो में नहीं लागे चाहिए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को। मैं तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।